भक्तमाल में एक कथा आती है, धन्ना जाट जी भगवान के परम भक्त हुए हैं। धन्ना जाट जब धन्ना जी छोटे से थे तो उस समय कुछ ब्राह्मण घर में आए हुए थे पूजा पाठ करवाने के लिए। धन्ना जी छोटे से थे, जब ब्राह्मण पूजा पाठ करवाते तो ब्राह्मणों के पास एक में एक छोटे से शालिग्राम जी महाराज थे, और शालिग्राम का स्नान करवाते, कभी दूध से करवाते, कभी दही से करवाते, कभी सहज से करवाते। धन्ना जी बैठे बैठे देखते रहते, माखन मिश्री का भोग लगाते, कभी चंदन लगाते, कभी तिलक करते, तो बड़ा आनंद आता देखते देखते। एक दिन संत जाने लगे, ब्राह्मण जाने लगे, तो उस समय धन्ना ने कहा कि आप चले जाओगे तो आपके पास में ये जो शालिग्राम भगवान है, ये भगवान आप हमें दे दीजिए। अब संतों ने कहा कि भगवान तो हमारा सहारा है, जिसका हम भजन करते हैं, पर धन्ना जी छोटे से थे, माने नहीं, बोले नहीं, रोने लगे, कहने लगे कि ये शालिग्राम भगवान हमें चाहिए। संतों ने सोचा शालिग्राम भगवान तो नहीं दे सकते। रात का समय हुआ, धन्ना जी सो रहे थे, तो उस समय बाहर से एक पत्थर उठाकर लाए शालिग्राम जैसा, और लाकर उसको तिलक किया, और तिलक करवा के आराम से छोड़ दिया। सुबह धन्ना जी उठे तो जो सिंहासन था ना शालिग्राम जी भगवान का, उस सिंहासन के ऊपर उस पत्थर को रख दिया तिलक करके, और नीचे जो उनका शालिग्राम भगवान था उनको रख दिया। धन्ना जी उठे, आज धन्ना जी ने कहा दो दो भगवान एक साथ कैसे हैं। संतों ने कहा कि ये जो सिंहासन पर बैठा है ना, ये तो बड़े ठाकुर जी हैं, और जो ये हमारे वाले ठाकुर जी हैं, ये छोटे ठाकुर जी हैं। अब बताओ तुम्हें कौन सा चाहिए, तुम्हें बड़े वाले भगवान चाहिए कि छोटे वाले भगवान चाहिए। अब बच्चा था, मन ललचा गया, तो धन्ना जी ने कहा कि मुझे छोटे वाले ठाकुर जी नहीं चाहिए, मुझे तो बड़े वाले ठाकुर जी चाहिए। वो पत्थर दिया और महात्मा जी चले गए। अब धन्ना जी ने क्या किया, रोज सुबह उठते, स्नान करते, उस पत्थर को स्नान करवाते, मैया तिलक के लिए सिंदूर नहीं देती, रोली नहीं देती, ईंटों को घस के उसके ऊपर तिलक कर देते, रोज पूजा करने लगे। काफी दिन बीत गए, एक दिन वही महात्मा गांव में पहुंचे थे, गांव में किसी और के घर पे पूजा थी तो वहां पर पहुंचे हुए थे। धन्ना जी पहुंचे मिलने के लिए, प्रणाम किया, प्रणाम करने के पश्चात याद आया महात्माओं को, ये तो वही धन्ना है जिसको हम पत्थर देकर आए थे, और पूछा कि पूजा करते हो कि नहीं करते अपने भगवान की। धन्ना जी ने कहा रोज करता हूँ, सुबह उठकर स्नान करता हूँ, फिर भगवान को स्नान करवाता हूँ। ब्राह्मणों ने कहा स्नान स्नान करवाते हो कि भोग भी लगाते हो। धन्ना ने कहा भोग का तो मुझे आपने नहीं बताया था, भोग नहीं लगाता और सारा काम करता हूँ। अब धन्ना जी घर आए, बच्चे ही थे अभी छोटे, तो भोग जैसे ही स्नान करके भोजन मिला करने के लिए, तो उस थाली को लेकर आए भगवान के पास में। आकर भगवान को, ब्राह्मणों ने बताया कि भगवान को भोग लगता है पर्दे लगाकर, तो घर में पर्दा लगा दिया, और पर्दा लगाकर पत्थर के सामने भोग रख दिया, और कहने लगे कि ठाकुर जी आप प्रसाद ग्रहण करो। अब धन्ना आगे कुछ नहीं जानते, बैठे बैठे इंतजार में थक गए, कहने लगे कि आप भोजन नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करूँगा। छोटे से बच्चे थे, वहीं पर सो गए भूखे प्यासे, कहने लगे आप जब भोजन करोगे मैं तभी करूँगा। उस समय भगवान ने देखा कितना सरल है, कितना शांत है, कुछ नहीं जानता, कितना भोला है। उस समय धन्ना जी को नींद आई हुई थी, और पर्दे के पीछे से चटकारियों की आवाज़ सुनाई दी। धन्ना जी ने देखा
चटकारी ले लेकर भगवान भोग ग्रहण कर रहे थे। अब धन्ना जी को बड़ा आनंद आया, तो धन्ना जी ने कहा कि आप है ना रोज रोज मैं भोग लेकर आऊँगा, तो आप लेट मत आओ, जैसे ही मैं भोग लेकर आऊँ आप उसी समय पहुँच जाओ। भगवान के साथ बातें होने लगी। अब धन्ना जी थोड़े थोड़े बड़े होने लगे, बड़े हुए तो गऊओं को चराने के लिए जंगल में भेज दिया जाता। अब धन्ना जी को समस्या होने लगी, ठाकुर जी घर में रह जाए और धन्ना जी जंगल में चले जाए। तो धन्ना जी ने एक दिन भगवान को कहा कि मैं जंगल में जाता हूँ गऊओं को चराने के लिए, वहाँ पर कोई नहीं होता दूसरा, एक अकेला मैं ही होता हूँ, तो आप यहाँ पर बैठे रहते हो अकेले, मैं आपको भी साथ लेकर जाया करूँ। अपने भगवान को अपने ठाकुर जी को उठाते और अपनी जेब में रख लेते और गऊओं को चराने के लिए जाते, वहाँ पर ठाकुर जी को बाहर निकालते और कहते अब कोई नहीं है बाहर आ जाओ, तो ठाकुर जी सामने आ जाते, बातें करते, पूरा दिन गऊओं को चराते, संध्या काल का समय होता फिर उठाते और अपनी जेब में रख लेते। ऐसे करते करते बहुत समय बीत गया। एक दिन धन्ना की बुआ घर में आई हुई थी, तो ठाकुर जी ने कहा कि क्यों धन्ना आज गऊओं को चराने के लिए नहीं जाना क्या? तो धन्ना ने कहा कि आज नहीं जा सकूंगा, आज मेरी बुआ आई हुई है। तो कन्हैया ने ठाकुर जी ने कहा कि अगर बुआ आई है तो तुम घर रुको, मैं चला जाता हूँ, तुम एक काम करो कि गऊ माताओं को गांव से बाहर छोड़ाओ और साथ में मुझे भी ले जाओ और जाकर गांव से बाहर मुझे भी पथरा देना। जेब में डालकर लेकर गए भगवान को और बाहर गांव से बाहर गऊओं को छोड़ा और शालिग्राम भगवान को ले जाकर वहां पे पथरा दिया। अब रोज का काम हो गया। जब धन्ना जी का मन नहीं करता तो कन्हैया को लड्डू इनको शालिग्राम भगवान को कहते कि आप जाओ और जाकर गऊओं को चरा कर लाओ। नित्य ऐसा होने लगा। अब वही संत एक दिन गांव में पहुंचे। बहुत समय बीत गया था। धन्ना जी पहुंचे मिलने के लिए, तो धन्ना जी से पूछने लगे कि धन्ना जी आपकी भक्ति कैसी चल रही है, बचपन में आपको हम शालिग्राम भगवान देकर गए थे। वो आनंद से खुशी से पूछ रहे थे क्या अभी भी उसी पत्थर की पूजा कर रहा है, अब तो समझदार हो गया है, अब तो छोड़ दिया होगा, बड़ा हो गया, जवान हो गया है। धन्ना जी ने कहा नहीं, बहुत आनंद से चल रही है। पूजा पाठ करते हो? बोले हाँ पूजा पाठ करता हूँ। पहले से कम करते हो? बोले नहीं पहले से कम कैसे, अब तो पहले से भी ज़्यादा करता हूँ। अब संतों ने सोचा कि देखे तो सही कि उसी पत्थर की पूजा कर रहा है, तो कहा कि अपने भगवान के दर्शन नहीं करवाओगे हमें? धन्ना जी ने कहा दर्शन तो करवा देता लेकिन अभी गऊ चराने के लिए गए हुए हैं। संतों ने कहा गऊ चराने के लिए गए हैं? धन्ना तुम बचपन में भी ऐसे थे, अब जवान हो गए हो, अब भी ऐसे ही हो? देखो अगर शालिग्राम भगवान जी आएंगे तो मैं दर्शन करवा दूंगा, चलो अगर दर्शन करना है तो मेरे साथ चलो। संध्या काल का समय था, गऊ माताएं घर में आ रही थी और जैसे जैसे संध्या काल के समय में गो धूली बेला गऊओं की धूली उड़ती आ रही थी और धन्ना जी नाचने लगे, संतों को कहने लगे देखो वो आ रहे मेरे ठाकुर जी, उछलने लगे कूदने लगे। अब संतों ने कहा कि गऊए तो दिखाई दे रही हैं लेकिन तुम्हारे ठाकुर जी को दिखाई नहीं दे रही। तो उस समय धन्ना जी ने कहा कि दिखाई क्यों नहीं दे रही, देखो कितना सुंदर रूप है, धोती ऊंची है, मुकुट है वो टेढ़ा है, हल्का हल्का चेहरे पर पसीना आया हुआ है, गऊओं की धूली उड़कर कुमकुम का रूप धारण करके मुंह पर लगी हुई है और कटाक्ष नेत्र है। जैसे ही संतों ने सुना तो संतों ने कहा कि धन्ना तू तो इस प्रकार वर्णन कर रहा है जैसे तूने भगवान को देखा है, ये तो भागवत का श्लोक है, तुमने भागवत को कब सुना? धन्ना ने कहा कि मैंने तो भागवत को कभी नहीं सुना। अगर भागवत को नहीं सुना तो तेरे को कैसे पता कि भगवान का ये ऐसा रूप है? वृहा पिंडम नटवर वपु कर्ण्यो कर्णी कारम विभर्दे वासे कनिक कपीशम वेजंतिम च माला।
ये तो अगर भागवत के दर्शन किए होते तो तुम्हें पता होता कि इस प्रकार का भगवान का स्वरूप है। धन्ना ने कहा कि मैं तो ठाकुर जी को देख रहा हूं, जैसा देख रहा हूं वैसा बोल रहा हूं। ऐसे संत हमारी भारत भूमि के अंदर हुए हैं।